वेलकम बैक। ये क्वेश्चन भी है हमारा वेक्टर कैलकुलस का, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन 2x² + 3y² + z² एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज दिस। आपको निकालना है इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, द डायरेक्शन ऑफ आई माइनस, ओके, इसमें आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालनी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2006 में, 2 मार्क्स के लिए। तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को नोट करें। तो फंक्शन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x², सो 2x² + 3y² + z² ठीक है, और पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास में 213, ये नोट कर लेते हैं। और जिस डायरेक्शन में निकालना है वो वाला वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज आई माइनस 2k। अब देखिए यहाँ पे एरो और टोपी, ये दे ना दे उसे फर्क नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, तो घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हमें तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए ग्रेडियंट निकालना होता है, सो नेबला एफ निकालेंगे। तो नेबला एफ क्या होता है, आई कैप डो एफ डो एक्स प्लस जे कैप डो एफ डो वाई प्लस के कैप डो एफ डो जेड, ठीक है। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, भाव कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और बाकी सारे टर्म्स तो 0 हो जाएंगे। अब इसको y के रेस्पेक्ट में जो करोगे तो ये 6y हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। और इसको आप z के रेस्पेक्ट में करोगे तो बाकी सारे 0 और ये 2z हो जाएगा, ठीक। तो नेबला f किस पॉइंट पे, 213 पॉइंट पे निकाल लो। तो पुट कर दो यहाँ पे x के जगह पे 2, तो 4 2 8, सो 8i कैप हो गया। यहाँ पे 6j कैप हो जाएगा, और जेड की जगह 3 डालना है, 3 2 6 + 6 k कैप हो जाएगा, क्लियर। सो अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालनी है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो आपको क्या करना था, इस ग्रेडियंट से आपको डॉट प्रोडक्ट कर देना होता है इसके यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में आपको निकालना होता है ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ में इसका ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट कर देना होता है। तो यहाँ पे जो नेबला एफ आपने निकाला है 213 पे, इसको आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए इसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो 8i कैप + 6j कैप + 6k कैप होगा, और डॉट करोगे तो ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ये हो जाएगा, है ना। सो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, i कैप - 2k कैप, और नीचे में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √1² + 4, ठीक है, मतलब -2 का स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो। चलो तो अब क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, ये वाला टर्म तो नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। आई का आई के साथ करो तो 8 हो जाएगा, जे का 0 के साथ करो तो 0 हो जाएगा, के का के के साथ 1, और 6 2 12, सो -12, ठीक। नीचे में कितना होगा, चार 4 और 1 5, √5, सो दिस इज हाउ मच, -4/√5। अब इसको जब आप कैलकुलेटर से देखोगे तभी आएगा -1.789, तो -1.789 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मिल गए आपको 2 मार्क्स आपके पॉकेट में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।